सालाना शनासी की सलाहियत देते हैं, ऐसा भी दौर, ऐसा भी जमाना, ऐसा वक्त इस मुल्क पर गुजर रहा था जहां अगरचे के मादी एतबार से बहुत सारी तरक्कियात नजर आ रही थी, मगर अगर किसी की जरूरत थी, किसी चीज की जरूरत थी, वो जरूरत थी इंसानियत को पैदा करने की। इस काम के लिए अल्लाह तआला ने फकीर इस्लाम मुर्शिदी हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी मरकज़ को खड़ा किया। जैसा कि आप जानते हैं, सुनते हैं और अभी भी आपने सुना, सारे दुनिया के इंसान अल्लाह के बंदे हैं और आप उसके भाई भाई हैं। इस काम का आगाज भी, यानी पयामी इंसानियत का काम का आगाज हजरत मौलाना आलम रखना ने एक ऐसे शहर से किया, एक ऐसी बस्ती से किया जिसकी निस्बत अल्लाह की तरफ है, जिसको हम इलाहाबाद कहते हैं। ये बहुत बड़ा काम था, काम है, और हर दौर में इस काम की जरूरत है। इसलिए कि हमारा और आपका एहसास नहीं बल्कि मुशाहिदा है, इंसान परिंदे की तरह हवा में उड़ रहा है, मछली की तरह पानी पर तैर रहा है, उसने जमीन और आसमान के कुलाबे मिला दिए, उसने साइंस और टेक्नोलॉजी से सूरज की शुआओं को गिरफ्तार कर लिया, मगर इतनी सारी तरक्की के बावजूद जिस बात का शिकवा है, डॉक्टर इकबाल ने अपने शेर में बयान किया है, वो जिसने सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया, जिंदगी की शब तारीख सहर कर न सका। जिगर मुरादाबाद ने ये बात कही है कि माना कि ये दौर तरक्की का है, मगर अफसोस इस बात का है कि आदमी को भी मैसर नहीं इंसान होना। और ये तकरीर की और लच्छेदार बातों की इसके लिए जरूरत नहीं है, हर आदमी इस सानहे से, इस अलमिये से गुजर रहा है। इंसान नाम ही इसकी है उसका कि उसमें इंसानियत होती है, और कुरान मजीद में बराए रास्त कहीं कहीं इंसान को या अय्युहल इंसान कहकर खिताब किया है। आज बहुत ज्यादा है इस बात की जरूरत कि हम समाज में, माशरे में, सोसाइटी में, आज के इस चकाचौंध कल्चर और तमद्दुन में इंसानियत को अमली तौर पर पैदा करें। क्या हो रहा है, कत्ल गारत गिरी का बाजार किस तरह गर्म है, साजिशें किस तरह काम कर रही है, मनसूबाबंदी किस नौयत की है, नफरतों की आग किस तरह लगाई जा रही है, दिलों में दराड़े किस तरह पैदा की जा रही है, इंसान को इंसान से किस तरह दूर किया जा रहा है, इसको आज के दौर में समझना कोई मुश्किल काम नहीं। बहुत बड़ा काम है कि आप इंसानियत का पैगाम लेकर उठे। हजरत मौलाना सैयद अबुल हसन अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के बाद हमारे हजरत मौलाना सैयद बिलाल हसनी मकबूल लहू इस बेड़े को उठाए हुए हैं। ये तहरीक सुबाई तहरीक नहीं है, बल्कि इस वक्त इसकी जरूरत का शिद्दत से जब एहसास हुआ कि मुल्क गील तहरीक बन गई। सिर्फ कई सूबों में नहीं,
बल्कि मुल्की पैमाने पर यह आवाज गूंज रही है और इसी बात की सबको दावत दी जा रही है कि वो बजाते खुद अपने अंदर इंसानियत को पैदा करे और दूसरे इंसानों को इंसानियत का पैगाम पहुंचाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इस कोशिश को बारावर फरमाए और हर इंसान के दिल में ये जज्बा पैदा हो कि वो पयामे तहरीक इंसानियत का एक जुज एक हिस्सा बनकर मुल्क मिल्लत और इंसानियत की खिदमत करे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।